हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग करवा चौथ के उपलक्ष्य में, तो भाई करवा चौथ तो उसने किया है मगर व्रत मेरा करवा दिया है। सुबह से खाना नहीं खाया है। इना खाना बना दे। क्यों बना दूं भाई? देखो ये उम्र बढ़ाने का, ऐसे उम्र बढ़े को नहीं बढ़ा है। इना चुटकी पहन रही है पैरों की। आज देखो भाई तो इसको पीछे दे, दबा देंगे। और ये देखो हाथ तो कैसी लग रही हूँ मैं मेकअप करके। आज जब उड़ा गाना है, जब मेकअप उतरा निकली बाहर निकल लो रहा है तो वो रियलिटी है। मेकअप करके ऐसे अच्छा। और एक बच्चों का जल्दी तैयार हो ले ना, यार खाना बना दे पहले। आज करवा चौथ है ठीक है ना, यार खाना नहीं बनाया। यार करवा चौथ तने कर रखा है, मन थोड़ी कर रखा है। तो तुम क्या चाहते हो कि खाली तुम्हारी तुम्हारी उम्र लंबी हो, मेरी ना हो, है इसलिए मैंने तुम्हारा भी करवा चौथ का व्रत रखा रखा है। चुपचाप से जब मैं खाना खाऊंगी तभी खाना मिलेगा, वरना मैं नहीं देने वाली खाना। आई बस समझ में? मन ना बेटा ठीक है, मैं बाहर खाऊंगा नहीं तो कुछ। जाके दिखाओ तुम बाहर कमाल, ऐसे थोड़ी होता है यार। तू कर तो मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। जब तक मैं नहीं खाऊंगी खाना तब तक मैं तुम्हें भी नहीं खाने दूंगी ठीक है। अब भाई मन क्या करो चौथ यार, यार ना दी पैसे भी आज मीठा मुकरा देगी मैं खुआ दे यार। करवा मुझे ये पहनना है प्लीज, इसे पहना दो मेरे को, ये पहनाओ पहले। चलो फिर खाना खाओगे? पहले इसे पहनाओ। खाना बहुत बता, पहले पहनाओ फिर बताते हो। चलो चलो पहनाता हूँ मैं भाई। आज फंस गया करवा चौथ के चक्कर में, लगता आज उम्र बढ़ाएंगे। और ये देखो भैया, रात के 2 बजे तक इन्होंने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई, और इतनी बढ़िया मेहंदी लगा रखी है कि मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। शायद ऐसा कोई डिज़ाइनर नहीं लगा सकता जितनी अच्छी इन्होंने मेरे हाथों की मेहंदी लगाई। और ये पैरों की मेहंदी तो मैंने लगाई, इस वजह से ये मेहंदी बुरी है लग रही है कि हाँ मैंने मेहंदी लगाई। एक का हो चुका है और विश्वास नहीं मानोगे आप, कल हमारी शॉपिंग पता कितने पैसे हो गया, कितने पैसे की शॉपिंग। कल मैंने जो शॉपिंग करी है, इन्होंने सब करवा चौथ का जो गिफ्ट मिलता है ना, इन्होंने मुझे एक दिन पहले गिफ्ट दे दिया। और मेरा गिफ्ट क्या है मैं आप सभी को दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग देखना बहुत मजा आने वाला है। और ये अभी फिलहाल पहना रहे हैं मुझे पाजेब, पूरा 1 लाख प्लस अकाउंट खाली, 1 लाख प्लस का करवा चौथ बनवा दिया है। लेकिन जो सामान लिया ना वो बहुत अच्छा है, मतलब अभी मत बताओ ठीक है, सरप्राइज है। मैं सबको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी साथ साथ पे कि हमने करवा चौथ का मतलब इन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और करवा चौथ शायद ही ऐसा गिफ्ट कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को देता होगा जो इन्होंने मुझे दिया, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका। थैंक यू। मैं भी करवा चौथ के बाल काट। और मेरे को इन्होंने क्या ऐसा गिफ्ट दे दिया जो बहुत ही स्पेशल है, मैं आप सभी को दिखाऊंगी, पर एंड में दिखाऊंगी ठीक है। तो करवा चौथ पेश कर देता हूं। अच्छा ये देखो करवा चौथ पे मेरा खून करने वाले हैं। अच्छी नहीं लग रही, पहले बताओ कैसी लग रही, कैसी लग रही हूँ? खतरनाक। अच्छा इनका कहना है कि मैं खतरनाक लग रही हूँ, पर बच्चे डर जाएंगे। अच्छा बच्चे डर जाएंगे, इतनी खतरनाक लग रही हूँ मैं, देख रहे हो? तारीफ नहीं है मेरी बेइज्जती है ठीक है। जब तक तारीफ नहीं करोगे ना फिर बताऊंगी। तो अब हम चलते हैं पूजा की तरफ, अब पूजा होने वाली है, बच चुके हैं 1 और अब सब लोग आ चुके हैं, अब जा रही हूँ मैं भी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मेरा फाइनली एकदम, मैं फिट हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैंने पहनी है ये पाजेब। तो अब हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने, तो बस तुम्हें कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ आप सभी को। देख इतनी बढ़िया गोदी चढ़ रही।
तो लो जी, हम सब हो चुके हैं इकट्ठा। अब हम सभी लोग मिलके कहानी सुनने जा रहे हैं और हमको कहानी आंटी जी सुनाएंगी। तो और यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं कि आज सभी लोग मिलके क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चों को पता है और कुछ को नहीं पता, तो इसलिए सब बच्चे भी साथ में ही बैठ के कहानी सुन रहे हैं। तो फाइनली चांद निकल चुका है, हरियाणा में 9:30 बजे के बाद चांद निकला है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना व्रत खोलने। तो अब काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद जाके चांद निकला है, फिर इसलिए अब मैंने शाम को ये रेड कलर की साड़ी पहन ली है। और कमेंट्स करके बताओ कि कहाँ कहाँ किस टाइम पर चांद निकला है, क्योंकि हरियाणा में तो 9:30 बजे के आसपास निकला है। और बताना कि और जगह जगह कहाँ पर, यूपी में कहाँ पर, बिहार में कहाँ पर, राजस्थान, रुक जाएगा सब जगह कहाँ कहाँ किस टाइम चांद निकला है। तो अब मैं तो चलिए अपना व्रत खोल लें और आप लोग भी खोल लीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग आ चुके हैं अब छत पर, और छत पर चांद बहुत लेट निकला, बहुत लेट नहीं मतलब 9:30 बजे के आसपास चांद निकला। तो अब हम लोग व्रत खोलने जा ही रहे थे तो निशु आ गया, फिर निशु भी कुछ कहने लगा हम लोगों से, फिर वो उधर चला गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते करते हम दोनों को हंसी भी बहुत आ रही थी। हंसी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि सामने पड़ोसी थे, तो फिर ये शर्मा रहे थे और मेरे को भी थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था कि हाँ बड़े भैया भाभी हैं तो उनके सामने करवा चौथ का व्रत खोल रहे हैं। तो फिर भी खैर हम लोगों ने खोला, छोटे हैं शर्म तो आती है, लेकिन कोई नहीं ये। और उसके बाद अभी इन्होंने मुझे पानी पिला दिया है, और बेसन के लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मेरे लिए बेसन के लड्डू लेके आए थे। और फिर लड्डू फिलहाल मैंने कम से कम 3-4 लड्डू खाए बेसन के, और फिर बाकी मैंने रख दिया कि हाँ मैं बाद में भी खाऊंगी लड्डू खाना वाना खाने के बाद। तो फाइनली हम लोगों ने खोल लिया है अपना व्रत, और ये क्यूट सा बाबू निशु भी हमारे साथ है। अब फाइनली दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर, वैसे तो कमेंट्स करते नहीं हो, लेकिन बताना कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।